नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों। तो खाओ दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ किया डीनास में बढ़िया सा गोवन ब्रेकफास्ट और उसके बाद लिया मजा गोवन ड्रिंक उर्राक का। इस एपिसोड में आपके साथ करेंगे बढ़िया सा गोवन लंच। आइए। हाँ जी खाओ दोस्तों, तो आपके खाओ दोस्त ने आज एक और जगह ढूंढी है आपके लिए अंदर ही अंदर। ये सामने आपको दिख रहा है, ये छोटा सा कैनपी टेंट जैसा बना है पेड़ों के नीचे। यहाँ पर मैंने सुना है कि गोवन लोकल थाली बहुत अच्छी मिलती है। एक छोटी सी जगह है, बहुत ही अंदर अंदर गलियों में है। मुझे खाना था कुछ लोकल और गोवंस के हाथ का बनाया हुआ ही, तो मैंने पूछा लोगों को कहाँ है। ये एक फर्नांडिस सुपर मार्केट है, यहाँ पर कोलवा में ही है। तो अगर आप गूगल पे डालेंगे फर्नांडिस सुपर मार्केट तो अब यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। और इस मार्केट के बिल्कुल सामने है ये जगह, इसका नाम है, कोई नाम नहीं, इन्होंने नाम भी नहीं रखा, बस ये फर्नांडिस के नाम से ही जानी जाती है। और यहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अमेजिंग थालीज मिलती हैं फ़िश की खाने के लिए, तो और प्रॉन्स वगैरह की, और ज़्यादा कोई वैरायटी है नहीं इनके पास, सिर्फ फ़िश, बट फ़िश फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड इन टोटल गोवन लोकल स्टाइल। तो चलते हैं अंदर और मंगाते हैं थालियाँ और खाते हैं आपके साथ। आइए, तो ये मैं जा रहा हूँ अंदर और ये देखिए छोटी सी जगह है, अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा है लेकिन आई होप मैं आपको साफ साफ नज़र आ रहा होऊंगा। ऐसी जगह, चार पांच टेबल, लोकल्स ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये इनका अंदर किचन है, बस दैट्स अबाउट इट। कम्प्लीटली लोकल ऑथेंटिक गोवन फिश थाली जॉइंट। तो बस अब ऑर्डर करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या मिलेगा। फिश थाली मेरे साथ है मिस्टर फर्नांडिस एंड दिस शैक इज कॉल्ड फर्नांडिस शैक, मेरे को मालूम पड़ा। तो मैं फर्नांडिस सर से पूछता हूँ कि इधर क्या क्या खाने का, क्या खाने का फर्नांडिस? क्या क्या खाने का? फिश थाली। अच्छा फिश, अच्छा फिश थाली है। फिश में कौन सा फिश है? मोरसो है। मोरसो है, बांगड़ा है? बांगड़ा है। ओके, प्रॉन्स है? प्रॉन्स है। मड़की है? अरे बाप, ये जगह कितना पुराना है आपका? हाउ ओल्ड? कितना पुराना है? हाउ ओल्ड दिस प्लेस? 25 years? तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके चलाता है? चलाता है। फैमिली रन? पूरा फैमिली है? पूरा फैमिली है। क्या बात है, वेरी नाइस। सो मिस्टर फर्नांडिस वेरी स्वीट गाय, अच्छा आदमी, स्वीट पर्सन। अभी हमको थाली खिलाएंगे तो हम जाके बैठते हैं। फर्नांडिस सर खाना बनाइए फटाफट। ओके थैंक यू। ये हुई ना बात, मजा आया बात करके। नाइस, चलिए बैठते हैं और खाने का वेट करते। तो दोस्तों फर्नांडिस शेक का खाना देखिए, प्रॉन्स का साइज देखिए, प्रॉन्स रवा फ्राई, साथ में ये मैकरल फ्राई, और साथ में हर थाली के साथ देते हैं एक सब्ज़ी, ये फ़िश की करी, और ये भी कोई चीज़ है, इनसे पूछूंगा क्या है। पिकल है, ये है मोरसो फ्राई, साथ में सैलड और राइस। तो ये सब आज का लंच मेन्यू है, और अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आ गए क्योंकि ऐसा खाना बहुत कम जगह में मिलता है गोवा में भी। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज़ का टेस्ट बताते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं ये डालूंगा ग्रेवी चावल के ऊपर। ओहो हो, क्वांटिटी भी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इसके अंदर भी इन्होंने, ये देखिए फ़िश के पीसेस है इसके अंदर भी, ये भी दिए हैं, और ये डाल देते हैं ग्रेवी, वाह। और अभी इसको रखता हूँ मैं साइड में, साथ में मैं लेता हूँ थोड़ी सी ये कालामारी, स्क्विड्स कुक्ड विद अनियंस टमेटोज एंड ग्रीन चिलीज, क्या बात है। तो बस पहले इनके साथ शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, वो व्हाट गोवन फ्लेवर्स। और ये प्रॉन्स का साइज देखा आपने, जस्ट सी द साइज ऑफ दिस प्रॉन्स एंड दिस फुल प्लेट विच हैज अराउंड 12-13 पीसेस, इसका कॉस्ट सिर्फ 450 रुपीस है। तो ये हेड और टेल के साथ है, तो मैं प्रॉन्स खा के देखता हूँ जो रवा फ्राइड है। हाँ, लाइफ बन गई, स्वीट स्वीट प्रॉन्स, क्रिस्प बार रवा, और साथ में ये टैंगी गोवन ग्रेवी के साथ चावल। बस आज तो मन कर रहा है पेटी ना भरे। हाँ बात है, अभी जो स्क्विड्स हैं, अभी हमने पहले बटर गार्लिक स्क्विड्स खाए थे वहाँ पर, अभी ये अलग प्रिपरेशन है, स्क्विड्स विद अनियंस एंड ग्रीन चिलीज। वेरी नाइस, स्पाइसी नहीं है ज़रा भी, अनियंस की स्वीटनेस है और स्क्विड्स की
फ्रेशनेस है, फिश करी दो आदमी बस खाता ही जाए। अब ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये जो बैंगन है ये गोवन रेड मसाले में बनाया गया है, तो अभी ये मैं खा के देखता हूँ कैसा है इसका मसाला, ऐसी रॉ टेस्ट करेंगे पहले। हाँ, टैंगी गोवन ग्रेवी, अनियंस हैं इसके अंदर, विनेगर भी डाला मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बैंगन तू कभी इतना स्वाद नहीं था यार, बड़ा टेस्टी लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। चलो मैकरल खाते हैं। ये है बांगड़ा, मस्त फ्राई की है, आपको दिख रहा होगा लाल लाल क्रिस्प है बाहर से, तो ये यहीं से खाते हैं क्योंकि प्लेट में है नहीं जगह। ये वाओ, ये देखिए, ये तोड़ी, ये और उसको चावल के साथ किया मिक्स, और हर चीज एक से बढ़कर एक निकल रही है। मतलब ऐसी छोटी छोटी जगहों पर भी, पर ही नॉट भी, खाना गोवन लोकल असली असली फ्लेवर्स, असली मसाले और द रियल टेस्ट ऑफ गोवा। फर्नांडिस शैक ऑपोजिट फर्नांडिस जनरल स्टोर कोलवा, गूगल लिंक मिल जाएगा आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये एक मछली है अभी मेरे पास, मोरसो, इसका स्लाइस दिया है। ये मछली सिर्फ गोवा में मिलती है, ये बोनलेस फिले है इसका, अगेन रवा फ्राइड, इसको ज़रा खाया जाए। यार फिर आप बोलेंगे हर चीज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ, अरे हर चीज़ बनी इतनी अच्छी है, और सबसे बढ़िया बात है फ़िश की फ्रेशनेस, हर फिश, चाहे प्रॉन बोलो, मैकरल बोलो, स्क्विड बोलो, मोरसो बोलो, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। एंड हमारे भोले भोले बैंगन ये भी कमाल के हैं, इनको भूलना नहीं है। हाँ बात है, तो फ्रेंड्स मैं इन्जॉय करता हूँ अपनी ये गोवन फिश। आप भी कभी गोवा आए, साउथ गोवा आए, तो इस जगह को ढूंढ ढूंढ कर निकालिए यार। यू नो शैक्स में, रेस्टोरेंट में सब लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन जब ऐसी जगह आओ तो पता लगता है कि गोवन फूड एक्चुअली में क्या है कि नहीं। जस्ट वाओ। तो खाओ दोस्तों, बढ़िया सा लंच हो गया फर्नांडिस शैक में, और इतना मज़ा आया ना, इस मेरी पूरी ट्रिप का बेस्ट लंच था आज। प्रॉन्स की जो फ्रेशनेस और जो साइज था ना, मोरसो, बांगड़ा, बैंगन की सब्ज़ी, कलामारी, मतलब आज तो फीस्ट हो गई। और आपका खाओ दोस्त अभी इतना खुश है, और अब आ रही है ज़बरदस्त नींद, और इस धूप में फिर से अपनी स्कूटी चला के जाना है होटल तक, यहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन इस समय सन इज़ राइट ऑन टॉप एंड हिटिंग राइट ऑन द हेड। तो अभी यहाँ से जाऊँगा मैं अपने रिसोर्ट में, आराम से आधा एक घंटा नैप करूँगा जैसे रोज़ करता हूँ, करना भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी में धूप में बहुत थक जाते हैं, और उसके बाद शाम को थोड़ी ठंडी ठंडी हवा में निकलेंगे बाहर घूमने आपके साथ। तो बस जस्ट रिमेंबर कोलवा फर्नांडिस स्टोर के सामने, दिस ब्यूटिफुल फर्नांडिस स्मॉल लिटल शैक। सी यू सून। दोस्तों शाम हो गई, और शाम होते ही मुझे तो लग गई भूख, तो मैं आया हूँ मड़गांव शहर, और मैं यहाँ पर आया हूँ खास एक गोवा की डेलिकेसी खाने के लिए, जो कि नाश्ते में भी खाई जाती है, लंच में भी खा सकते हैं और सुबह भी खा सकते हैं, और उस डेलिकेसी का नाम है रॉस ऑमलेट। वो रॉस ऑमलेट क्या है और कैसे बनता है, वो तो रॉस ऑमलेट की जगह ही जाकर देखेंगे। मेरे पीछे एक लेडी है, इसको कहते हैं अशोक रॉस ऑमलेट, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रॉस ऑमलेट मिलता है, मैंने ऐसा सुना है। ये लोहिया गार्डन के सामने है, मडगांव सिटी सेंटर में ही है, तो चलते हैं और देखते हैं रॉस ऑमलेट कैसे बनाया जाता है, और इस रॉस ऑमलेट में पड़ता क्या क्या है। रॉस ऑमलेट एक, और नीचे तो फ्रेंड्स ये मेरे सामने आया है गोवा का मशहूर रॉस ऑमलेट। ये ऑमलेट होता है, इसमें प्याज वगैरह सब पड़ता है ना ऑमलेट में, मसाला ऑमलेट, मसाला ऑमलेट, अच्छा, और उसके ऊपर ये चिकन का रस्सा है, चिकन का ग्रेवी, वो शाकुती चिकन टाइप का। तो अब ये खाकर देखते हैं मशहूर रॉस ऑमलेट। इसी तरह से पाव भी खाया जाता है, लेकिन मैंने अभी पाव लिया नहीं है, फर्स्ट क्लास ये। और वाओ, फ्रेश बना हुआ एकदम, मुझे उसके ऊपर ग्रेवी है ना तो रॉस बोलते हैं, कमाल की है। और ये
प्याज पड़ा हुआ है इसके ऊपर, नींबू दिया है साथ में, थोड़ा नींबू निचोड़ते हैं, आएगा मज़ा इसका, लिया जाएगा दोबारा से टेस्ट। आ जा भाई, नींबू के साथ डबल मज़ा। देखिए ग्रेवी पड़ी है चिकन की, ऑमलेट रेडी है, तो जैसे आएंगे फटाफट फास्ट फूड। दोस्तों मैं भी अपना रॉस ऑमलेट ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, आगे भी जाना है घूमने के लिए, किसी बीच पर चलेंगे। तो ये है अशोक रॉस ऑमलेट, मड़गांव शहर में, ये सामने है लोहिया गार्डन, तो बस यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए और पहुँच जाइए और एंजॉय कीजिए रॉस ऑमलेट विद पाव। तो फ्रेंड्स खा लिया रॉस ऑमलेट, अभी एक रॉस ऑमलेट और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक, दोनों का प्राइस मिला के 70 bucks, 70 rupees में नाश्ता हो गया, बढ़िया सा पाव ऑमलेट और उसके ऊपर रॉस, तो कोल्ड ड्रिंक एंड दिस कॉस्ट 70 bucks, तो ग्रेट वे बहुत से, एंड दिस ड्रिंक गोज वेरी वेल विद रॉस ऑमलेट। तो दोस्तों बीच के किनारे देखिए, ये ड्राई फिश कई चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, और क्योंकि गोवा है यहाँ का मेन बिज़नेस फिशिंग है, तो हर बीच के किनारे आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे, फिश ड्राई की जाती है, कुछ तो एक्सपोर्ट भी होती है, कुछ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होती है। तो दोस्तों ये मेरे सामने है ट्रिनिटी बीच, ये भी बेनोलिम में ही है, लेकिन बेनोलिम का जो मेन बीच है वो काफ़ी क्राउडेड रहता है, क्योंकि सारे टूरिस्ट ज़्यादा करके वहीं पर जाते हैं, यहाँ पर कम आते हैं, इसलिए ये बीच ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा और लेस आई मीन क्राउडेड रहता है। तो अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, शांति के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ आके मस्त शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, जैसे कि अभी ढलने वाला है, तभी आइए बैठिए आराम से। और शैक्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कोलबा और मेन बेनोलिम बीच पर हैं। समुंदर की जब ताज़ी हवा लेते हैं ना, तो बस मज़ा ही आ जाता है। और ये जो सीन है, वाह, जो कुदरत ने हमें बख्शा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। द सन सेटिंग ऑन अस एंड गिविंग अस होप्स ऑफ अ गुड डे टुमारो, अ बेटर डे। तो दोस्तों ये था हमारा गोवा का ट्रिप, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा मेरे साथ। आप जहाँ जहाँ घूमे, जहाँ जहाँ हम सब साथ में गए, कोशिश की मैंने सेल्फ शूट करने की पहली बार, ना कोई कैमरामैन था हेल्प करने के लिए, ना कैमरा पकड़ने के लिए, कई कई जगह गया जहाँ जो होटल वाले थे उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हेल्प कर दी, वेरी स्वीट पीपल इन गोवा, जहाँ पर भी गए काफ़ी हेल्पफुल थे, काफ़ी स्वीट थे, कभी मना नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए, क्योंकि जब मैं इसको अपने कैमरा को कोई हाइट देना चाहता था ना, तो मैं उनसे डब्बा मांगता था, या कभी किसी ने मुझे एक आइस बकेट उल्टे करके भी दी, उस पर रख दी, किसी ने टिश्यू पेपर का स्टैंड दिया तो उसके ऊपर रख दिया। तो ऐसे करके ये व्लॉग शूट किए हमने, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में मैं दिल्ली आने वाला हूँ, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, और आपको वहाँ की कुछ ऐसी खाना की जगह पता है जहाँ मुझे जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि वो कौन सी जगह हैं जिन्हें मैं विज़िट करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने की। तो दोस्तों ये था हमारा गोवा का ट्रिप, उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा हमारे साथ घूमने फिरने में और खाने पीने में। तो एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलेंगे आपको, इंतज़ार कीजिए, तब तक खाइए पीजिए ऐश कीजिए, धन्यवाद।